अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट कौकब फारूकी। प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक में आपको कहेंगे खुश आमदीद। कुछ बात करेंगे मुल्की हालात के ऊपर। इमरान खान के 100 रोज़ जो है मुकम्मल हो गए हैं। करतारपुर राहदारी बॉर्डर जो है वो खुल चुका है। ये तमाम तर सूरत हाल जो मुल्की चल रही हैं, इन तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट प्रोग्राम में मौजूद हैं कमर थल्लो साहब हैं, अदीब सफ़ी साहब हैं। इनका तज्ज़िया हम आप तक पहुँचाएँगे कि ये क्या सोचते हैं, आइंदा आने वाले हालात जो हैं इनके तज्ज़िये के मुताबिक कहाँ तक जाएँगे, क्या तब्दीली मजीद बढ़ेंगी या तब्दीलियां मजीद घटती चली जाएंगी। कमर थल्लो साहब, सबसे पहले आप बताएं, इमरान खान के 100 रोज जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं, क्या लग रहा है इन 100 रोज में कैसी कारकर्दगी दिखाई दे रही है? देखिए, 100 रोज तो गुजर गए, सबको 100 रोज गुजर गए, 100 रोज गुजर गए। एक नई हुकूमत, एक नया तजुर्बा, सही हुकूमत के लिए नहीं लेकिन प्राइम मिनिस्टर के लिए जरूर एक टोटली नया तजुर्बा। अब अपोजिशन वाले जो है वो तो इस 100 रोज को पकड़ के बैठ गए हैं। सही। तो सबसे पहले सवाल तो वो उठता है कि जिन्होंने 10-10 साल हुकूमत यहाँ की है वो अपने पहले 100 दिनों का हिसाब दे, और फिर अभी वो तो अपने सालों का हिसाब भी नहीं दे सकते। सालों का हिसाब मैं 100 दिनों का मांग रहा हूँ, तो आप तो सालों की बात कर रही हैं। अभी सिंध गवर्नमेंट भी उनकी है, उसको भी 100 रोज पूरे हो गए हैं। सही। अगर बताया जाए कि सिंध में इस 100 रोज में एक ईंट भी कहीं लगी है तो फिर वो तनकीद करने के हक बजाने पे हैं, ठीक है ना। अभी 100 रोज में एक नई चीज, एक जो हमें जब हर चीज निल मिली, कुछ भी नहीं मिला इस हुकूमत को सवाए इसके कि अब उनको जो है वो कहीं से भीख मांगनी पड़ी, कहीं से चंदा मांगना पड़ा, वरना हम तो डिफॉल्टर हो जाते, पाकिस्तान डिफॉल्टर हो जाता। 100 दिनों में तो बड़ी मुश्किल से उनको थोड़ा सा सीधा करने की कोशिश की गई है। तो वो तनकीद करने वालों को पहले अपनी गिरेबान में देखना चाहिए। वो कहते हैं ना कि पड़ी जब अपनी बुराइयों पे नजर तो मेरी नजर में कोई बुरा न रहा, तो उनको अपनी बुराइयों पे तो अभी नजर पड़ी ही नहीं है। हाँ। अब अपनी बुराइयों पे पहले नजर डालें, फिर किसी और के लिए वो कहें कि इन्होंने। सही। अदीब सफी साहब, आप इत्तेफाक करते हैं कमर साहब की बात से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल 100% यही होना भी चाहिए कि अपना आप कारकर्दगी देखें फिर दूसरे पे बात करें। लेकिन मैं एक चीज और चाहूंगा कि जहाँ नया एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट के लिए, जैसे कि कमर साहब ने कहा, वहाँ आवाम के लिए भी एक नया तजुर्बा है कि पहली मर्तबा उनके कान एक ऐसी चीज़ को सुन रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के मुंह से जो आज तक इस कौम ने कभी नहीं सुना। सही। इस कौम ने सिर्फ झूठ और झूठ और झूठ और अपने जाती मफाद को कवर करने के लिए वो 10 साल और उससे पहले इवन मुशर्रफ के दौर में भी इतनी क्लियर पिक्चर इतनी आती थी जितना इसने शुरू किया। तो 100 डेज की जो मेरी नज़र में अचीवमेंट है, सबसे बड़ी अचीवमेंट ये कि आवाम की जहन की कंडीशनिंग हो रही है कि पहली मर्तबा जो कि जैसे कल के प्रोग्राम में बैठे हुए थे एनालिस्ट के साथ, जर्नलिस्ट के साथ 1-to-1 बात हो रही थी, एंड ही हैड नथिंग टू हाइड, हर सवाल का जवाब दे रहा था और एक सच्ची जो एक लीडरशिप है जो जिससे तवक्को है वो अदा कर रहा था। तो ये चीज़ बहुत सारे लोगों के लिए खटक रही है, बहुत सारों को पसंद नहीं आ रहा। हाँ। कि ये अगर जम गया तो फिर इन ये जो जितने चोर बैठे हुए इनका सफाया होगा। और ये दिस इज वन थिंग प्राइमरी रीज़न फॉर अपोजिशन इज दिस, कभी यू टर्न कभी कुछ, ये जो चीज़ें ला रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनको पता है कि वो जाल डाल दिया गया है, वो जाल खींचा जा रहा है और आस्ते आस्ते सब उसमें आ रहे हैं। और ये मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने पहले प्रोग्राम में कहा था कि जो इनके पार्टी में भी जले हुए कारतूस हैं जिन पर ये छोड़ेगा नहीं किसी को, वो उनको भी समझ निकले, ओनली देन पाकिस्तान कैन सर्वाइव, अदरवाइज दिस एज आई सेड दिस लास्ट चांस फॉर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, इफ इट फेल्स देन देयर इज नो प्रोग्रेस। सही है। अच्छा, तहरीक इंसाफ की जाने से पहले 100 दिन के एजेंडे का ऐलान किया गया था जिसमें 6 नुकाती एजेंडा शामिल था, विफाक को मजबूत करना है, मईशत की बहाली। आपको लगता है कि इनमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो बेहतर हुई हैं आपकी नज़र में इन दिनों? मैंने में पहले ही कहा कि अब हमने एक सिम्त पकड़ ली है, ठीक है ना। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो कुछ भी अपने आवाम से बात करते हैं वो सच करते हैं, वो सच करते हैं। मैं एक मिसाल दूँ के कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब तकरीरें करता था बहुत बड़े बड़े जलसों में, तो अंग्रेज़ी, उसको उर्दू नहीं आती थी तो अंग्रेज़ी में तकरीरें करता था। सही बात है, मुझे याद है। अंग्रेज़ी में तकरीरें किया करता था। तो किसी ने किसी बंदे को पकड़ के पूछा कि ये अंग्रेज़ी में बोलता है आपको समझ में आता है? कहले हमें कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन ये यकीन है कि ये जो कुछ भी बोल रहा है ये सच बोल रहा है।
तो ये हमें यकीन है कि इमरान खान जो कुछ भी बोल रहा है, जो कुछ हुआ है या नहीं हुआ, जो कुछ वो करने जा रहा है और हमें बताया जा रहा है कि हम ये करेंगे, तो हमें उस पर यकीन है कि ये होगा। और अगर जब ये होना शुरू हुआ तो फिर आवाम को बाकायदा ये यकीन आना शुरू हो जाएगा वक्तन ब वक्तन कि अब हम सही तरीके मतलब से आगे जो जा रहे सच्चाई है वो सामने लाई जा रही है अब आवाम के सामने। पहले आवाम को गुमराह किया जाता था, छुपाई नहीं, लेकिन अब आवाम के सामने सच्चाई लाई जा रही है तो लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं ना। देखिए आप खुद मीडिया से ताल्लुक है, पिछली दो हुकूमतें जो गुजरी हैं उसमें खास आपको भी पता है, कमर साहब को भी पता है कि बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को खरीद लिया गया था और उनके जरिए एक खास पैगाम जो थे वो जाते थे, सॉरी माइंड की कंडीशनिंग की जाती है, आवाम को क्या बताना है क्या नहीं बताना है। यहाँ पर अभी फॉर द फर्स्ट टाइम आवाम इज लिस्निंग टू द फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो कि कान उसके आदि नहीं है। जब आदि नहीं है तो वो सवाल बेहंगम सवाल उठते हैं, ये क्यों कह दिया, ये क्यों कह दिया। प्राइम मिनिस्टर का इमेज जो है जो अब तक बना था उससे हट कर ये इमेज बन रहा है, जो कि मेरे ख्याल में आगे चलकर आवाम के लिए और मुल्क के लिए एक बहुत ही वो कहते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज बनेगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनेगा। देखें हकीकत है कि जो मीडिया हाउसेस पे जवाल आया हुआ है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पिछले हुक्मरान अरबों करोड़ों इनको देते थे, अपनी मर्जी के मुताबिक ही बातें होती थी। इमरान खान ने तो रिफ्यूज कर दिया कि मैं तो एक पैसा भी नहीं दूंगा क्योंकि ये अवाम की अमानत है, मुझे अपनी पब्लिसिटी नहीं चाहिए कि मुझे पब्लिसिटी खुद ब खुद मिलेगी जब मैं अवाम के लिए कुछ करूंगा कुछ करना शुरू करूंगा तो वो खुद ब खुद मिल जाएगी। अब वो फंड भी बंद हो गए, वो लिफाफा कल्चर भी बंद हो गया, तो अब एंकर्स भी बड़े परेशान हैं। अब जो है वो इतने लोग बेरोजगार भी हो गए, बेरोजगार भी हो गए, और अभी आने वाले दिनों में देखें अभी कितने एंकर अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं। अच्छा, ये बाहर की बात है। अच्छा, इमरान खान साहब ने करतारपुर बॉर्डर जो है कॉरिडोर उसका संगे बुनियाद रखा, तो ये काफी अच्छा इकदाम है, इसको भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। देखें तनकीद इसमें अच्छा काम है, ठीक है, इन्होंने एक यहाँ देखें हमारे ये काम जो है सिर्फ इमरान खान का भी नहीं है, इसमें हमारा पूरा पूरा जो बैक है वो हमारी आर्मी की है। आर्मी हर चीज को समझती है कि हमें कौन सी चीज खोलनी है कौन सी चीज बंद करनी है। इंडिया के साथ इस तरह का ओपन वीजा का वो मामला करना ये मामूली बात नहीं है जिसको आर्मी ने एक्सेप्ट किया है, लेकिन एक बात वो जरूर है उसको भी आर्मी ने जाहिर मद्देनजर रखते हुए किया होगा कि इस आड़ में इंडिया चाहेगा कि मैं अपने दहशत गर्दों को अंदर भेजूं, समझा, लेकिन पाकिस्तान ने भी एक गेम खेला है कि जी उन्होंने भी कहा है कि हम सिख बरादरी अगर हमारे साथ मिल जाती है तो इंडिया भी डर रहा है कि कहीं ये खालिस्तान की तहरीक चला के पाकिस्तान उनका ये साथ दे। बहुत ही सोचने और समझने वाली बात है, मैं इससे थोड़ा सा वक्त लूंगा। ये बॉर्डर वाला जो डिसीशन है इसके लिए समझने जरूरी है बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने हलफ उठाया और उसके बाद वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस को विजिट किया, जीएचक्यू गए और फिर आईएसआई गए, आईएसआई में 10 घंटे गुजारे और 8 घंटे जीएचक्यू में गुजारे, कोई भी प्राइम मिनिस्टर पहले उसको इतनी बड़ी ब्रीफिंग नहीं देगा। तो मैं जो पहले कह चुका हूँ कि दिस इज फर्स्ट टाइम दैट द आर्मी या आर्म फोर्सेज आर्मी नेवी एयरफोर्स हैव फाउंड कि ये बंदा जो है ये कमिटेड है, ये नेशनलिस्ट है, ये कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, उनको ब्रीफिंग दी गई। तो नाउ व्हेन दे आर ऑन वन पेज तो ये डिसीजन मेकिंग के लिए जो करतारपुर बॉर्डर खोला गया डिसीजन ऑफ कोर्स जैसे कल इंटरव्यू में इमरान ने कहा कि डिसीजन उसका था बट डिसीजन वाज सपोर्टेड बाय द आर्मी। एक बात, दूसरी बात जो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पहली दफा ये एक मास्टर स्ट्रोक है, ऐसा स्ट्रोक है जिस पर इंडिया तिलमिला गया। बिल्कुल, क्यों तिलमिला गया, क्योंकि जब आपका खालिस्तान मूवमेंट चल रहा था तो ये मैं एक दफा पहले भी कह चुका हूँ उस वक्त सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाने में बीबी का था, जिसमें इतराज अहसन ने उस खालिस्तान के जो लीडर्स थे उनके लिस्ट राजीव गांधी को दी और ये आई के गुजाल की किताब में लिखा हुआ है। सही। और उसके बाद जो नुकसान पहुंचा था रिलेशनशिप पाकिस्तान का अंदर उसका अजाला अब हुआ है कि जब इन्होंने ये फिर दोबारा किया। और अभी मेरे पास एक वीडियो है जिसमें ये जो जितने भी सिख आए हुए थे ये इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को मुर्दाबाद कैसे कह सकते हैं, जिंदाबाद के नारे लगाए गए जिस पर अच्छा जो कंवर साहब ने बात की बहुत इसमें भी वजन है वो ये कि जब आप फ्री बॉर्डर भेज रहे हैं तो उसमें उनके रॉ के एजेंट भी आएंगे। कल जो परसों जो फंक्शन हुआ है जिसमें ये लोग
गए थे उसमें ब्यूरो के एजेंट बैठे हुए थे, सही 100% में कह दो बैठे हुए थे, लेकिन पता था कि कौन बैठे हुए, सही, क्योंकि ISI इज नंबर वन एजेंसी ऑफ पाकिस्तान, ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना, तो सब पता था, हम नजर रखते हैं कि कौन किधर आ रहा है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। तो ये चीज जो है ये बहुत जरूरी समझने की और आवाम को समझाने की जरूरत है कि ये जो बॉर्डर वाला सिलसिला था ये इसके कोई मैच नहीं है, इट इज इंडीड समथिंग व्हिच इज अनहर्ड ऑफ एंड वी मस्ट सपोर्ट इट, इसको हर कीमत पर सपोर्ट करना है, और ये जब जो आगे चलेगा इंडिया तिलमिलाएगा, वो जो आपने अभी बात की कि वो प्राइम उनकी फॉरेन मिनिस्टर आई ऑफ इंडिया आई, ये सब तो हमारी तरफ से तो हमेशा मुजाकरात की पेशकश की जाती है और हमेशा वेलकम किया जाता है, लेकिन इंडिया की तरफ से जो जवाब आते हैं तनकीद का निशाना बनाया जाता है सबके सामने, हमेशा पॉजिटिव रोल अदा करने की कोशिश की है, बिल्कुल पाकिस्तान ने कोशिश की है कि हमारे एक कदम आगे बढ़े, ताल्लुकात बेहतर रहें, सही समझा ना, लेकिन आप देखें कि जो हिंदू है ना वो कभी मुसलमान को बर्दाश्त नहीं करेगा, नहीं करेगा, और खास तौर पे इस वक्त जो वहाँ की हकूमत है और जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है, मैं अगर खुले अल्फाज में कहूँ कि वो मुसलमानों का कातिल है, आए दिन हम देखते हैं कश्मीर बॉर्डर पर क्या सूरत हाल होती है। इसी के रिलेटेड एक और पॉइंट है, बहुत जरूरी, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नॉर्मली जितने भी एंकर्स हैं और मीडिया हाउसेज हैं और प्रोग्राम हैं उसमें ये सवाल उठ रहा है और इवन इमरान से भी पूछा गया था कि जब खासकर हमारे जो मीर जाफर हैं हामिद मीर साहब पाकिस्तान के मीर जाफर है वो मैं उनको कहता हूँ, उन्होंने सवाल किया, कहते हैं उन्होंने सवाल किया कि साहब जब नवाज शरीफ उनसे दोस्ती कर रहा था आपने उनको गद्दार कहा था, आपको दोस्ती कर रहे हैं, कितना मोहम्मद और कितना अहमकाना सवाल था, ये खुद गद्दार है क्योंकि नवाज शरीफ ने जो दोस्ती का हाथ बढ़ाया था उसने अपनी जात के लिए किया था, सही, मुल्क के लिए नहीं किया था, ही वॉज इंटरेस्टेड जो उनका स्टील मिल में वहाँ उनका शेयर है जो उन्होंने इंडिया में इन्वेस्टमेंट की हुई और जो इनका स्टील का जो जंगाल था क्या नाम था जो आया था जंदाल, उसको आप मरी लेके गए थे, तो इनकी रिलेशनशिप चाहे सऊदी अरेबिया से हो चाहे वो हमने देखा था मोदी साहब की कोई इनके घर में फंक्शन था उसमें भी एंट्री हुई थी, मौमा बनाया गया था, मैं कहूंगा कि शायद मुझे तो डाउट हो रहा है कि कहीं नवाब शरीफ भी राह का एजेंट ना हो, आपकी डाउट को मैं सेकंड करता हूं, इसलिए कि इनकी रमजान शुगर मिल में मेरे पास आ गए थे, कितने बंदे उनके वहां से रॉ के निकले हैं, वहां से निकले, सो ही इज अ रॉ एजेंट, और ये भी दुनिया की तारीख में शायद पहला होगा कि किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर दुश्मन का एजेंट बैठा हुआ बैठा हुआ। मजीद गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा मगर यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का।